नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टूडेंट फरमाइश पे। मैं नाम है आशीष कुमार सिंह और आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि आईडीबीआई बैंक हमें क्यों डालना चाहिए। हाँ दोस्तों, आईडीबीआई बैंक हालांकि प्राइवेट हो चुका है लेकिन हमें डालना चाहिए। द बिगेस्ट डिफरेंस दैट आई हैव एनकाउंटर्ड आफ्टर लुकिंग और गोइंग थ्रू द नोटिफिकेशन ऑफ आईडीबीआई एंड अदर प्राइवेट बैंक्स इज दैट देयर इज नो नीड ऑफ एनी पीजीडीबीएफ कोर्स। आईडीबीआई बैंक आपको कोई पीजीडीबीएफ कोर्स प्रोवाइड नहीं करा रहा है और यही सबसे बड़ा फर्क डालता है आईडीबीआई एज ए प्राइवेट बैंक फ्रॉम अदर्स। यानी मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप पीजीडीबीएफ कोर्स करते हैं तो कुछ बैंक्स होते हैं जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो, कुछ और भी बैंक्स होते हैं जो प्राइवेट बैंक्स हैं जो पीजीडीबीएफ कराना उनके लिए मैंडेटोरी है, उसके बाद ही लोग जाके उनके बैंक में सेवा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आईडीबीआई बैंक एक प्राइवेट है लेकिन इसका जो असिस्टेंट मैनेजर का जो वैकेंसीज आया है इसमें कोई पीजीडीबीएफ कोर्स आपको करना नहीं है। दैट विल रिलीज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ 4 लाख्स और 5 लाख्स प्रोबेबिलिटी में भी, तो 4 लाख 5 लाख का बर्डन आपसे हट जा रहा है ना। तो मैं कहूंगा दोस्तों कि अगर हम नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें तो यहां पे शायद आप एक चीज यहां पे मिस कर जा रहे हैं। और आज तारीख है दोस्तों 10 तारीख, तो आप एक चीज यहां पे मिस कर जा रहे हैं दोस्तों। यहां पे देखिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 15th 4 2019, यानी आपको काफी टाइम नहीं दे रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 15 तारीख इसका लास्ट डेट है और 4 दिन बचे हैं, तो आप कृपया जाके जल्दी से भर दीजिए। और आईडीबीआई डेफिनेटली, देखो यार, सबको पता है कि आईडीबीआई जो है 51% स्टेक्स जो है या तो शेयर्स बता सकते हो एलआईसी ने एक्वायर कर लिया, और एलआईसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अच्छा खासा स्टेक लगा के रखा है, स्टेक ओके, और यू कैन से शेयर। तो ये है कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आईडीबीआई भी जुड़ा है, तो आपको यहां पे बिल्कुल भी कतराना नहीं है। और सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगता है दोस्तों कि यहां पे ना यू कैन फील योरसेल्फ एज ए सिक्योर्ड जॉब, आप अपने आप को जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल अपने आप को पा सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी लोग बोलेंगे भी कि भैया वाई शुड वी ऑप्ट फॉर प्राइवेट बैंक्स, और क्यों हम ऐसा नहीं हो कि मतलब हम आगे चल के और भी बहुत सारे बैंक से वैकेंसीज निकलने वाले हैं तो वहां पे क्यों ज्यादा ध्यान ना दें। भैया आपको कौन बोल रहा है ज्वाइन करने के लिए? मैं तो तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए, आप बस एग्जामिनेशन दे दो। अब एग्जामिनेशन की तिथि भी देखोगे तो मई 17 को है, मैं मानता हूं शायद 4 और 5 को एलआईसी का एग्जामिनेशन है, ठीक कुछ अंतराल के बाद आपको एसबीआई का एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, कुछ अंतराल के बाद उसका क्लर्क का एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, कुछ अंतराल के बाद आरआरबी का एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। यानी ये जो रास्ता है, ये जो सफर है, ये जब आपको तय करना ही है बॉस, तो आप पहले से ही करते जाओ ना। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मान लो यहां पे स्टक कर गए तो आप रह जाना फिर यहां पे एसबीआई के वैकेंसीज ले जाना, तो आपको कोई बोल नहीं रहा है कि आपको जाके ज्वाइन करना है। देखो बॉस, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आप ये भी मानते होंगे कि कुछ नहीं होने से भला है कि कुछ तो होना चाहिए। और जिनका ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स है वो डाल रहे हैं तो तगड़ा कंपटीशन तो होगा बॉस। और 228 पोस्ट है और इसमें सीधा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद कोई मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, सीधे आपके पास इंटरव्यू के एग्जामिनेशन होगा। अब ये असिस्टेंट के वैकेंसीज तक पहुंचने का और एक जरिया भी है। अगर मान लो आपने ये चीज मतलब आपने असिस्टेंट मैनेजर क्लिक नहीं कर पाया तो और एक जरिया मैं आपको बताते चलूं। जरिया ये है दोस्तों कि मान लो आपने यहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाया तो ये जो चीज आप देख रहे हो ना बॉस, ये जो चीज है अब ये कॉन्ट्रैक्चुअल में निकाल दिया है दोस्तों, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2019। इसको मैं मानता हूं ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये तो प्योरली प्राइवेट हो जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, कहीं पे तो लिखा हुआ था, यस यहां पे लिखा हुआ है देखिए, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 3 years ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सच अपॉइंटीज में बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए इन आईडीबीआई बैंक। यानी आप वहीं पे फिर पहुंच जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो दोस्तों इसका जो तनख्वाह भी है लगभग बराबर ही है। अब मेरा पोस्टिंग तो ग्रामीण बैंक में हुआ है एज ए क्लर्क, तो मैं समझ सकता हूं कि उसका भी 23-25,000 ही आपको सैलरी मिलेगा, इससे ज्यादा तो मिलने वाला नहीं है। तो वाई नॉट कि अगर आप यहां पे 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं एज एन एग्जीक्यूटिव तो डेफिनेटली आप जो पोस्टिंग हो जाओगे एज एन असिस्टेंट मैनेजर हो जाओगे 3 साल के बाद, तो कहीं ना कहीं आपका जॉब सिक्योरिटी आपके पास है। और
मैं तो ये बोलूंगा कि बाकी और कोई प्राइवेट बैंक होता तो मैं इतना एक डिटेल वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि आईसीआई बैंक का भी निकलता है, मैं डिटेल वीडियो नहीं बनाता, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट के ऊपर एक बर्डन दे देता है, एक थोप देता है कि यार बस आपको 4 लाख तक खर्च करना ही है। सो ये बर्डन नहीं है तुम में, है ना। तो ये चीज है, ध्यान पे रखना इन चीजों को। और 5 दिन बचा हुआ है दोस्तों, यानी 15 तारीख तक आपको फिल करना है, तो हिचकिचाइए मत, भर दीजिए इसको। और कोई आपको नहीं बोल रहा है कि आप ज्वाइन कर लो, पहले भरो तो सही, उसके बाद ज्वाइन करना, सिलेक्शन हो तो सही, उसके बाद ज्वाइन करना ना करना वो आपके ऊपर रहता है। तो एनीवेज फ्रॉम दिस इज द वीडियो फॉर टुडे, और मैं आपको बताते चलूं कि काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारा जो SBI कैंप आएगा दोस्तों। अभी ये 15 तारीख लास्ट डेट है, तो 15 तारीख को ही हमारा क्लासेस स्टार्ट होगा SBI कैंप। क्या रहेगा प्राइस, क्या मतलब कैसे एनरोल करना है, क्या करना है, मैं डिटेल नोटिफिकेशन आप सभी को बताते जाऊंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि SBI कैंप इट इज कमिंग आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिक्स कैंप। एक बेसिक्स कैंप हुआ था हमारा 10 दिन का प्रोग्राम, अब DI कैंप भी खत्म होने वाला है, तो ये खत्म होते ही मैं ये चीज को लाऊंगा SBI कैंप। बहुत नॉमिनल प्राइस में होगा, यानी ऐसा प्राइस जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना अच्छा कंटेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको और भी जानना है तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकेंगे। अगर कुछ हमारे स्टूडेंट्स यहाँ के कुछ लिखते हैं रिव्यूज, आई हैव द रिव्यूज ऑफ एवरीवन, बट स्टिल एनीवेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करते रहिए, मैं बहुत तुरंत लाने वाला हूं दोस्तों। सो एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत, शब बाखेर, लव यू ऑल, अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें, बाय बाय।